वेज व्यंजन में एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ आपका स्वागत है। और आज की हमारी रेसिपी है दाल पालक, जो सुपर डिलीशियस तो है ही और साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी भी है। तो आप भी अगर इस रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे जरूर देखें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं। तो फिर देर किस बात की, चलिए दाल पालक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कटोरी काली उड़द की दाल और 1/4 कटोरी चना दाल, यानी हाफ से थोड़ा कम। अब इस दाल को मैंने 2 ग्लास पानी में भिगो दिया है, जो कम से कम मैं 20-30 मिनट्स भिगो के रखूँगी। तो तब तक मैं बाकी की तैयारियाँ कर लेती हूँ। ये मैंने कुछ बंच लिया है पालक का, तो इसकी पहले मैं डंठल जो है वो अलग करूँगी और इसको बारीक बारीक हमें फिर काट लेना है। सर्दियों की यही खास बात है कि इसमें बहुत ही अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स हमें मिलती है और बहुत फ्रेश मिलती हैं, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और हरी पत्तेदार सब्जियां खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि इसमें बहुत आयरन होता है पालक में। तो अगर बच्चे ऐसे नहीं खाते पालक, तो आप इसे दाल में मिला के दीजिए, वो खुशी खुशी इसे ख़त्म कर देंगे। अब हम इसी तरह बाकी की भी जो पालक की पत्तियाँ हैं उसे बारीक बारीक काट लेंगे। और दोस्तों, मैं ऐसी ही सर्दियों की और भी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब पालक को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है, ये 1 बोल के करीब है। अब बस क्या करना है, जो दाल पहले से भिगो के रखी है उसमें मैं ये पालक ऐड कर दूँगी और फिर इसे प्रेशर कुकर में डाल के 2 से 3 सीटियाँ लगानी है, जब तक पालक अच्छी तरह दाल में मिक्स ना हो जाए। ये देखिए, हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसको तड़का देते हैं। तड़का देने के लिए हमारी कढ़ाई हो चुकी है गरम, तो इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच देसी घी। देसी घी में दाल की छौंक लगाने से इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो आप देसी घी ही यूज़ कीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा और करीब 1 चुटकी हींग। और हींग जीरे की जो छौंक होती है उसकी खुशबू ही इतनी अच्छी होती है कि किसी की भी भूख बढ़ जाए। तो ये जीरा जब क्रैकल होने लगेगा तो हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो अब ये हो चुका है ब्राउन, तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। और लहसुन को हमें ब्राउन करना है ताकि ये अच्छे से, जो उसके सौंधापन आ जाता है एक ब्राउन होने के बाद ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। कहते हैं ना, तड़के वाली दाल जो होती है उसमें लहसुन का जो फ्लेवर होता है वो अमेजिंग लगता है। तो अब ये थोड़ा ब्राउन हो गया है तो हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई मिर्च और ये बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक भी थोड़ा सा हो चुका है तो हम इसमें 2 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए हैं इसको ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बारीक कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मुझे ये इसी तरह अच्छा लगता है। लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें प्याज का तड़का भी लगा सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, जो इसे बहुत अच्छा सा एक कलर देगा। और हल्दी वैसे भी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। और ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती, क्योंकि मुझे ये दाल इतनी सिंपल ही पसंद है। आप चाहें तो और मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे गरम मसाला, धनिया पाउडर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसे ढक देते हैं ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। अब ये हमारा टमाटर जो है ये अच्छी तरह गल चुका है, तो इसमें हम अपनी जो दाल है वो इसमें ऐड करेंगे। मैंने दाल के लिए उड़द चने की दाल यूज़ की है। कई लोग इसे तुअर की दाल के साथ बनाते हैं या मूंग की दाल के साथ बनाते हैं,
पर आप इस तरह बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यमी लगती है। तो अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम 5 मिनट के लिए इसे ढक देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए ढक्कन हटा के देखते हैं, दाल बिल्कुल पक चुकी है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक आप पहले भी डाल सकते हैं, मैं अभी डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि नमक भी अच्छी तरह उसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारी दाल पूरी तरह पक चुकी है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर भी आया है इसका, इसे तो देखते ही भूख लग जाए। तो चलिए अब इसे जल्दी से एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। और बस अब सर्व करने से पहले आपको क्या करना है, 1 चम्मच घी लेना है और उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल के इसका एक चौक तैयार कीजिए और इसके ऊपर डाल दीजिए, उससे सुपर यमी लगेगी। तो बस अब इस टेस्टी और हेल्दी दाल का चावल या फिर गरम गरम रोटियों के साथ मज़ा लीजिए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, जी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की डिटेल्स आप तक पहुंच पाए।